दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में मेकअप से पहले अपनी स्किन को कैसे मैनेज करें। ड्राई स्किन वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। नॉर्मल ऑयली स्किन के लिए भी काम का वीडियो होने वाला है, पर ड्राई स्किन वाले साल के 12 मास जब भी वो मेकअप करें तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। और सर्दियों में अगर हम सभी ये स्टेप को फॉलो करते हैं तो हमारा जो मेकअप है बहुत स्मूथ रहेगा, फाउंडेशन है वो ब्लैक नहीं पड़ेगा, क्रैक ही नहीं पड़ेगा। एंड जो ड्राई स्किन वाले हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है कि वो फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हैं तो उनकी स्किन वाइट दिखने लगती है, फाइन लाइन दिखने लगते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं होने वाली है। बहुत ही सिंपल स्टेप शेयर करने वाली हूँ आज। मैं आपको मेकअप करके नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मैं बताऊंगी कि मेकअप से पहले आप अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करें, यानी स्किन को कैसे मैनेज करें, यानी उसे कैसे बताएं कि हाँ अब मेकअप होने वाला है तो जल्दी फटाक से तुम एकदम रेडी हो जाओ। आई थिंक सिंपल सी भाषा में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगे तो जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक पैक लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये पैक बहुत ही कमाल का है। अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो और आपने वो फेशियल वगैरह नहीं करवाया है तब भी आप ये पैक ट्राई कर सकते हो। और सर्दियों में जब भी आप मेकअप करें उससे पहले ये पैक ज़रूर ट्राई करें। आपको लेना है कच्चा दूध, अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। और उसमें डालना है नींबू की 8 से 10 बूंदें डालना है। दोस्तों, इसे डालते ही ये कुछ दही जैसा जम जाएगा या पनीर जैसा फट सा जाता है। इसके बाद इसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। 5 से 7 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, सूख जाएगा। उसके बाद आपको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, या फिर आप इस तरह पैड लेकर भी इसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करो। आप देखोगे इसको करने के बाद तुरंत ही आपके फेस पे एक फेयरनेस भी आ जाएगा एंड फ्रेशनेस भी रहेगी और आपका फेस ग्लो करेगा। बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करता है ये आपके फेस को। तो इसको आपने कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको लेना है एलोवेरा जेल। आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है और फिर उसके बाद उससे मसाज करनी है। जी हाँ, 2 से 3 मिनट की आपको मसाज करनी है। उसके बाद आप थोड़ा सा उसे कुछ सेकंड के लिए सूख जाने दें। इसके बाद आपको लेना है सर्दियों में, और ड्राई स्किन वाले ये जान लें क्योंकि उन्हें साल के 12 मास इसे ट्राई करना है, और बाकी जो स्किन वाले हैं केवल सर्दियों में ये स्टेप फॉलो करेंगे। आप नारियल का तेल ले लें या फिर ऑलिव ऑयल ले लें। नारियल का तेल ना मेरा बहुत जम गया था, इसलिए मैंने नारियल को स्किप करके ऑलिव ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने नारियल या ऑलिव ऑयल, या फिर आप बादाम का तेल भी ट्राई कर सकते हैं। आपको 3 से 4 बूंदें लेनी है, अपने फेस पर अप्लाई करना है और उससे आपको मसाज देनी है। 2 मिनट की मसाज देनी है, फिर एक कॉटन से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल देना है, उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लेना है। मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना है, इसके बाद आप चाहे तो सादा पानी ले सकते हैं या फिर गुलाब जल ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। आपको थोड़ा सा गुलाब जल लेना है, जैसे मैंने लिया है, और उसके बाद आपको 5 मिनट की मसाज देनी है। मेरा कैमरा मेरे हाथ से हिल गया है। ये आपको मसाजर आई थिंक क्लीन अप की तरह, हम स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, ये क्लीन अप की तरह भी वर्क करेगा। ये आपके डेड स्किन को निकालेगा, स्किन की जो डर्ट है उसे रिमूव करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, और अंदर तक जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है ना, अंदर तक हमारे स्किन को रिपेयर करेगा, स्मूथ बनाएगा, मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा। 5 मिनट के लिए आपको अच्छे से मसाज देनी है, उसके बाद आपको कॉटन से सिर रिमूव कर देना है। आपकी स्किन बिल्कुल तैयार है मेकअप करने के लिए। इसके ऊपर आप चाहो तो फेस सीरम अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो सीधे आप प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस तरह का स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं मेकअप से पहले, तो इसे क्या होगा, आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगी, आपका मेकअप स्मूथ रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फाउंडेशन ब्लैक नहीं पड़ेगा, या फिर ड्राई स्किन वाले जो फाउंडेशन सफ़ेद पड़ जाता है, कंसीलर सफ़ेद पड़ जाता है, बहुत खिंची खिंची सी स्किन लगती है, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दोस्तों, पार्टी आजकल हो रही है, पार्टी में जाने से पहले आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद आपको लगेगा वाओ, श्रुति ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, अगर हम इस तरह मेकअप करेंगे ना तो हमारा मेकअप ना बहुत ही अच्छा निखर कर आएगा। मुझे कोई और वर्ड मिला नहीं। आई होप दोस्तों ये जो आज का वीडियो है आप लोग के लिए यूजफुल हो।
ट्रिक जो है ट्राई करेगा, ये स्किन केयर रूटीन ट्राई करेगा और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड पहली बार चैनल पर आए हो तो रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।